में सिखाए गए ऑपोजिट्स की लव का हेट, शॉर्ट का टॉल, लार्ज का स्मॉल, यहां तक तो ठीक था, लेकिन सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर, ये शायद गलत बता दिया. फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ वेरी इंटीग्रल एंड असेंशियल पार्ट ऑफ सक्सेस. शायद इसीलिए जब दुनिया के महानतम, यू नो, वन ऑफ द लेजेंड, वन ऑफ द सक्सेस आइकन सुइचिआरो होंडा से पूछा गया कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, तो उन्होंने कहा कि सक्सेस इज 99% फेलियर. मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज सक्सेस की नहीं, आपसे फेलियर की बात करने वाला हूं. और अगर जिंदगी में आपने कभी भी जरा सी भी स्ट्रगल की है, फेलियर ने आपको छुआ है, या नाकामयाबी को आपने छू लिया है, तो मुबारक हो. मुबारक इसलिए हो क्योंकि ये सक्सेस की पहली वो झलक है जो किसी भी इंसान को मिलती है एक फेलियर के रूप में, क्योंकि वो जो बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा पाती, वो एक फेलियर इंसान को सिखा जाता है. लेकिन मुबारक तब हो जब जब फेलियर आने के बाद आप ना टूटो और उस फेलियर का मुंह तोड़ जवाब दो. कैसी भी सिचुएशन, फेलियर, नाकामयाबी, नेगेटिविटी जब आपको तोड़ने आए और आपके जुनून को ना हिला पाए, तब रिकॉर्ड्स टूटते हैं. ऐसा क्या किया कुछ लोगों ने कि जब इनकी जिंदगी में नाकामयाबी आई, बार बार आई, उसके बावजूद इन्होंने मैसिव सक्सेस को हासिल किया. ये लोग मिसाल बन गए. क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने फेलियर से कुछ सीखा, नाकामयाबी से कुछ लर्निंग्स ली, जिनको जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और इन्होंने बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया. ऐसी 6 लर्निंग्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं. वीडियो को पूरा जरूर देखना, हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए. तो सबसे पहली चीज जो फेलियर यानी नाकामयाबी हमें सिखाती है, वो है एबिलिटी टू प्लान. एबिलिटी टू प्लान से मेरा मतलब है कि जो इंसान नाकामयाब होता है, फेल जिसको होना पड़ता है, उसका टास्क फेल हो जाता है, तो उसको प्लान बी बनाना पड़ता है, प्लान सी बनाना पड़ता है, प्लान डी बनाना पड़ता है, और कई बार तो थॉमस अल्वा एडिसन की तरह 1000 प्लान्स बनाने पड़ते हैं. अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा, ये एक बहुत बड़ी ताकत है. जो इंसान फेल होता है उसके दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि वो किसी भी परिस्थिति से रुकता नहीं है. कितने भी रास्ते बंद हो जाए, वो नया रास्ता खोज लेता है, और अगर रास्ते ही खत्म हो जाए तो वो खोद कर, पहाड़ चीर कर दशरथ मांझी की तरह एक नया रास्ता बना देता है. जो इंसान फेल होता है, जिसने स्ट्रगल देखी है, दर्द देखा है, उसके पास अल्टरनेट्स, अलग अलग प्लान्स बनाने की ताकत आ जाती है. सेकंड पॉइंट, ग्लोरी एंड स्टोरी. जो इंसान नाकामयाबी देखता है, आप किनकी कहानियां पढ़ते हैं, किन लोगों के इतिहास लिखे जाते हैं, किन लोगों की स्टोरीज लिखी जाती हैं जिन्होंने जिंदगी में फेलियर देखा है. जिसने कभी फेलियर नहीं देखा, चाहे करोड़ों रुपए कमा लिए, उनकी कहानियां नहीं लिखी जाती. जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किए, उनकी कहानियां नहीं लिखी जाती. चाहे वो अमिताभ बच्चन हो कि कैसे उनको रेडियो स्टेशन से निकाल दिया गया, चाहे वो शाहरुख खान हो कि कैसे वो प्लेटफॉर्म्स पर सोए, चाहे वो अक्षय कुमार हो कि कैसे उन्होंने होटल रेस्टोरेंट्स के अंदर काम किया, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, जितने महान लोगों की बायोग्राफीज, स्टोरीज बनती हैं, वो लोग हैं जिन्होंने फेलियर को देखा है. जिसने फेलियर को छुआ है, नाकामयाब हुआ है, उसकी कहानियां दुनिया पढ़ती है और वो उनकी कहानियां लोगों को प्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं. जिसने नाकामयाबी नहीं देखी, पैसे बहुत कमा लिए, सक्सेस बहुत हासिल कर ली, चाहे हार्डवर्क से, उसके पास ग्लोरी तो है पर स्टोरी नहीं है. लेकिन जिस इंसान ने नाकामयाबी देखी है, वैलीज देखी है, उसके पास पीक पर पहुंचकर कुछ ऐसी स्टोरीज निकलती हैं जो दुनिया को इंस्पायर करती हैं. तो याद रखना दूसरी चीज कि नाकामयाब होने वाले इंसान जब कामयाब होते हैं तो उनके पास ग्लोरी भी है और स्टोरी भी है. थर्ड पॉइंट, रियलिटी चेक. रियलिटी चेक क्या है कि जब इंसान किसी टास्क में फेल होता है या किसी परिस्थिति में उसको वापस हटना पड़ता है प्लान बी तैयार करने के लिए, तो उसके पास एक रियलिटी चेक आता है. आसान शब्दों में एक एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे जीपीएस ऑन करने पर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ऑन करने पर, अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑन करने पर आपको आपकी रियल लोकेशन दिख जाती है कि आप कहां पर हैं. उसी तरह जब रियलिटी चेक मिलता है, फेलियर मिलता है, तो रियल लोकेशन मालूम चल जाती है कि हम कहां हैं, कितना और काम करने की जरूरत है, कितना बढ़ने की जरूरत है, कितनी सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या क्या कर लिया और क्या करना बाकी है. फोर्थ पॉइंट, सीसीडी. कैफे कॉफी डे नहीं, सीसीडी का मतलब है काम, कंपोज्ड एंड डिसिप्लिन्ड माइंड. एक इंसान जब नाकामयाबी देखता है, फेलियर्स देखता है, वर्स्ट सिचुएशंस देखता है, स्ट्रगल देखता है, तो वो कामयाब होने के बाद कंपोज्ड हो जाता है, काम हो जाता है, उसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है. याद रखना, जब तक नाकामयाबी नहीं मिलती, डिसिप्लिन नहीं आता लोगों में. एक इंसान जब कामयाब होता है, आप उसको देख करके पहचान जाएंगे कि इसकी जिंदगी में स्ट्रगल इसने फेस किया है या नहीं किया. एक मुझे बात याद आई कि एक बार एक इंसान का कैसे भी शॉर्टकट से या कुछ पैसे दे करके सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है.
पहला दिन होता है ऑफिस के अंदर, जाकर बैठता है, सामने टेबल पड़ी होती है, अपनी टांगे टेबल पर रखकर बैठ जाता है, सामने से कोई बाहर से दरवाजे से इंसान अंदर आता है तो उसको देखकर ये अपनी कुछ यू नो अपनी शान दिखाने के लिए फोन उठा लेता है लैंडलाइन और कहता है हाँ जी बहुत बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करता हूं मैं, करोड़ करोड़ रुपए की डील्स करता हूं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, ये है वो है, ऐसे बातें करने लगता है और फोन रख देता है और थोड़ी देर बाद उसको बोलता है हाँ जी आप क्या काम करवाने आए हो, तो वो बोलता है जी कुछ नहीं मैं तो टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ, आपका फोन पिछले 15 दिन से डेड पड़ा है उसे ठीक करने आया हूँ। जो लोग जिन्होंने जिंदगी में नाकामयाबी नहीं देखी, जो शॉर्टकट से सक्सेसफुल हो गए या किसी विरासत में कामयाबी मिल जाती है, उनको उस कामयाबी की कदर नहीं है, उनकी उनके एटीट्यूड से आप पहचान जाएंगे कि जिंदगी में ये CCD काम कंपोज्ड और डिसिप्लिन्ड है या नहीं। क्योंकि जब आप फेलियर देखते हैं, नाकामयाबी देखते हैं, तो आपको असल में पता चलता है कि नीचे से जमीन कैसी है और ऊपर से आसमान कैसा है। और इंसान जब इस दूरी को नाप लेता है तो वो काम कंपोज्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे बिकेम टफ। जब इंसान फेलियर देखता है तो वो टफ बन जाता है। कितनी भी ब्रूटल कंडीशंस हो, कैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में जो इंसान रहा है, एक एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो रोड साइड पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप देखो इनके बच्चे सर्दी के अंदर भी वही रोड साइड पर इनके साथी पल रहे होते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत पैम्पर करके रखा जाता है, वो अगर सर्दी में जरा सी बाहर हवा भी लग जाए तो वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन इनके बच्चों को आप सर्दी में बारिश में नहाता हुआ देखेंगे। जितनी ब्रूटल कंडीशंस, जितनी टफ कंडीशंस एक इंसान देखता है, उस लेवल पर वो उतना ही ज्यादा टफ बन जाता है। जिसने फेलियर्स देखे हैं ना, जिसने बिल्कुल ग्रास रूट तक, जिसने डीपेस्ट वैली तक जाकर देखा है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, वो हर मायने में टफ हो जाता है, किसी भी सिचुएशन को कॉन्कर करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये टफ सिचुएशंस ही एक बेहतर इंसान को जन्म देती हैं। तो यकीन मानना, एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर आपने फेलियर देखा है तो आप टफ बनते हैं, ब्रूटल कंडीशंस देखी है तो आप टफेस्ट बनते हैं और जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट, इंटीग्रिटी एंड विजडम। जो इंसान फेलियर देखता है वो एक वाइज इंसान बनता है, उसके पास एक अजीब सी विजडम आ जाती है, क्योंकि फेलियर में आपके साथ वो चीजें होती हैं, कई लोग छोड़कर चले जाते हैं, असली और नकली की पहचान होती है, कौन से चेहरे फेक थे, कौन से चेहरे रियल थे, किन लोगों ने असली में साथ दिया और कौन लोग जहाज के डूबते ही दुम दबाकर भागने लगे। एक ऐसी पहचान इंसान को होने लगती है, लेकिन वो तभी होती है जब आप डीपेस्ट वैली में जाते हैं, जब फेलियर मिलता है, एक ऐसी विजडम अंदर से क्रिएट होती है और ये विजडम ता उम्र जन्मों जन्म आपके साथ रहती है। अगर आपने जिंदगी में कभी स्ट्रगल किया है, फेलियर देखा है, तो आपको रियल की और फेक की पहचान हो जाती है, कौन लोग साथ देने वाले हैं और कौन साथ छोड़ जाने वाले हैं। एक ऐसी इंटीग्रिटी डेवलप होती है, एक ऐसी ईमानदारी अपने आप से डेवलप होती है, एक ऐसी इंसाइट डेवलप होती है कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये थे वो 6 पॉइंट्स। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी ने, फेलियर ने मुझे सिखाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊं। लेकिन मैं आपसे आज एक कमेंट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप नीचे लिखें कि फेलियर ने, स्ट्रगलिंग डेज ने, आपकी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों ने आपको क्या लर्निंग दी, क्या सिखाया, क्या ऐसी चीज आप सीखे जो अगर फेलियर में नहीं आते, जो नाकामयाबी अगर ना मिलती तो आप ना सीख पाते। कमेंट जरूर करना, सैकड़ों हजारों लोग इन कमेंट्स को पढ़ते हैं और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दे दे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर जिंदगी में आपने कभी भी स्ट्रगल की हो। मुझे पता चले कितने स्ट्रगलर्स, कितने लोग जो कामयाबी को छूने वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। और लास्ट में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी जिसका कोई पैसा नहीं लगता आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर से हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में स्ट्रगलिंग डेज से गुजर रहा हो, उसकी जिंदगी में थोड़ी सी इंसाइट आ जाए, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।